ハレルヤ。
Now the important thing is that your way of life should be as the gospel of Christ people, so that whether or not I'm able to go and see you, I will hear that you are standing from one common purpose, and that with only one desire, you are fighting together for the threat of the gospel. Thank you, Sister Rasa. ऐसा करके हम फिर
वही ऐसे हो गया था सरुपा और मेरे मस्तर मिसा मेरा तो चुना गया वो इसके बाद हम लोग देखा है नारा लोग में मदर्स डे का जज करता है हम उसी समय क्या करता था चर्च के कुछ प्रोग्राम होने से हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करता था तो नाम लोग हम चाहता था नारा लोग में कि क्या प्रोग्राम देने पड़े हम लोग कुछ मार्ग लोग भी फाउंडेशन में नहीं करता था मदर्स डे को अच्छा से जज करता था तो उसी में वो देख के हम लोग यहाँ आके देखा कि हम लोग अभी वोमेन को ये हम लोग फाउंडेशन डे को शुरू करना है ओके तब हम लोग 1998 में तभी हम लोग पीछे शुरू किया और उसमें हम फर्स्ट बोल के ही नाम दे रहे आज हम लोग 22 ईयर्स कॉम्प्लीट किया इसके लिए प्रभु ने हमें इस समय क्योंकि हम लोग रमजान में कुछ ना पढ़ाई लिखाई नहीं था क्या नहीं था कुछ एक्सपीरियंस है कुछ भी नहीं था लेकिन प्रभु ने मौका दिया हमें यूज किया कि प्रभु का महिमा के लिए आज तक 22 ईयर्स यहाँ और साथ में और 1990 से आज तक हम लोग प्रभु ने इस चर्च में गीता का विश्वासी का रूप में आप सब आराधना करने के लिए मौका मिला इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं और वो जो है हम लोग का महिला लोगों का वो इतना अच्छा है इतना परमेश्वर का इतना प्रेम कि वो जो आज देखिए हम उस दिन तो वही करके वो आते
जेल में डाल दिया, लेकिन
बिल्कुल यार, जूझी के लिए कुछ ना करो, एक दूसरे
दुनिया में एक दूसरे से और हमारे यहाँ कोई दिनों से आते हैं इतना हंगामा हो गया है, मैंने पैसा नहीं लेकर आया, ये समय खराब होते जा रहा है। तो इसीलिए हम इसीलिए बुलाएंगे आप बिलों पर चोरी के सब यहाँ साथ नहीं लेना, लेकिन क्या बोले आप दूसरों को अपना से अच्छा समझो। और ये निशानी की ओर दौड़ना
और साथ में यहां में बोला है God has called us to be faithful, not fearful. परमेश्वर यहां सेकंड टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 में हम देख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. इसलिए हमें ये समय में बहुत कुछ हमारे धर्म के अगेंस्ट में बहुत दुखा रहे हैं, महामारी आ रही है, क्या क्या सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्या है और साथ में फिलिपियस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 में ये पढ़ देती हूँ. किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से तेरी है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे. सच में चिंता बहुत है इस समय में, डर बहुत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत करो. लेकिन क्या है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ. परमेश्वर आपको चिंता करके कोई फायदा नहीं, डर के फायदा नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना के साथ तो प्रभु के करेंगे.